हेलो एवरीबॉडी मैं आपकी अपनी नितिका मैम जुड़ चुकी हूं आपके साथ एज योर केमिस्ट्री एजुकेटर बनाने के लिए आपकी जेई की पूरी जर्नी आईआईटी का सपना बहुत आसान तो आज का एजेंडा है हम एक सवाल के थ्रू मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे एक सवाल है बट पूरा का पूरा जो भी स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चंस कैसे जैसे कि नंबर ऑफ परॉक्सी लिंकेज क्या परॉक्सी लिंकेज है भी या नहीं ऑक्सी बॉन्ड है कि नहीं कितने ऑक्सी बॉन्ड है क्या एलिमेंट एलिमेंट लिंकेज है ऐसे जितने भी सवाल होते हैं अलोंग विथ द नेम ऑफ सच कंपाउंड कई बार जो ये ऑक्सी कंटेनिंग कंपाउंड है ना उनके नाम में बड़ा लोचा होता है तो उस लोचा को भी क्लियर करने वाले हैं हम और ऐसे क्वेश्चन जो कि लिंकेजेस बॉन्ड्स ऑक्सीबॉन्ड मेटल मेटल लिंकेज एलिमेंट एलिमेंट लिंकेज इससे एसोसिएटेड है इनको करेंगे हम हैश टैग एच डी सी सी हाई डेफिनेशन क्रिस्टल क्लियर पहले मैं सवाल दिखाऊंगी आपको आपको फिर ऑप्शन दिखाऊंगी क्वेश्चन है मैच द कॉलम आप क्वेश्चन देखिएगा ऑप्शन देखिएगा पॉज करिएगा वीडियो ट्राई करिएगा खुद करने का ठीक है उसके बाद मैं सॉल्यूशन कराऊंगी सॉल्यूशन को एक बारी जब आपने अच्छे से क्वेश्चन रीड कर लिया और एक बारी ट्राई कर लिया खुद अटेम्प्ट कर लिया उसके बाद ही वीडियो को आगे देखिएगा वीडियो को पॉज करके ज़रूर एक बारी क्वेश्चन एनालाइज करिएगा चले देखते हैं तो ये है सवाल देख लीजिए अब ऑप्शंस दिखा रही हूँ कई बार मैच द कॉलम की जो तार होती है ना वो ऑप्शंस में छिपी होती है हो सकता है आपको वन टू थ्री फोर के कंपाउंड्स में से कोई भी क्वेश्चन कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ना पता हो बट एक है जो आप एनालाइज कर पाओ किसी तरीके से और आपका मैच द कॉलम कई बार निकल जाता है इसी बदौलत तो आप ऑप्शन भी देख लीजिए अगर इनमें से कोई भी जैसे यूनिक ऑप्शन है उसको पिक करके आप अपना आंसर कर सकते हैं तो इस पॉइंट पे अब आप पॉज करिए क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए हाँ जी अब देखिए अगर आपसे हुआ है ये सवाल बहुत अच्छी बात है कॉन्ग्रेचुलेश फिर भी मैं गारंटी देती हूं आप एंड तक वीडियो को देखिए आपको कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट जरूर मिलेगा और अगर आपसे नहीं हुआ है आपको तो देखना ही है देखते हैं पहली चीज नाम नाम को कैसे डिकोड करें देखिए हमेशा किसी भी एसिड का एक एसिड आपको पता होता है जैसे कि आपको एक एसिड कैसा ले लेते हैं फॉस्फोरिक एसिड ले लेते हैं ठीक है आपको हमेशा एक एक एसिड पता होता है फॉस्फोरिक एसिड ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एसओ फोर आयोडिक एसिड एच थ्री पीओ जब ऐसे एक एसिड में अगर आप एक ऑक्सीजन को ऐड कर दें तो आपके पास क्या आता है पर एक एसिड मतलब जैसे कि एच थ्री इसका नाम क्या हो गया पर फॉस्फोरिक एसिड पर एक एसिड समझ रहे हैं अगर फॉस्फोरिक एसिड स्टार्ट किया तो नाम क्या हो गया पर फॉस्फोरिक एसिड ऐसे ही एक एसिड से स्टार्ट करके अगर आप उसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दें तो अस एसिड में अगर एक ऑक्सीजन डालें तो मैं उल्टा चल रही हूं आप समझ रहे हैं एक ऑक्सीजन को कम कर दें अगर तो आपके पास क्या आता है अस एसिड राइट नॉट अस जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन कम कर लीजिए स एसिड एच थ्री पी ओ थ्री हो गया राइट तो ये आपको पर एसिड भी पता चल गया पर हमेशा एक एसिड से शुरुआत करके आप हर जितने भी एसिड्स हैं उसका इस तरीके से एक चार्ट बना सकते हैं अपने लिए और अपनी इंटरनलाइजेशन के लिए अपनी रिविजन के लिए आप ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करिए और ऐसे ही तमाम जितने भी हेलोजन एसिड्स हैं उनके साथ भी करिए ठीक है अच्छा अब अस एसिड में से एक और अगर ऑक्सीजन हम कम कर दें तो देखिए हाइपो में एक ऐड करेंगे तो अस आ जाएगा बट उल्टी डायरेक्शन में जाए अस आस एसिड से एक ऑक्सीजन कम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाइपो अस आस एसिड बोले तो अगर फॉस्फोरिक एसिड की बात हुई एक कम किया फॉस्फोरस एसिड एक और कम किया हाइपो फॉस्फोरस एसिड आसान हो गया क्या हो गया स्ट्रक्चर एच थ्री पीओ थ्री था उसमें से एक ऑक्सीजन हटा दो पीओ टू अब एक एसिड के अंदर अगर आप मल्टीप्लाई बाय टू माइनस एच टू ओ करो मतलब एच थ्री पीओ फोर इन टू टू माइनस एच टू इसका मतलब क्या हुआ भला इन टू टू करते हैं पहले ये हो गया एच सिक्स पी टू ओ एट समझ में आया मल्टीप्लाई बाय टू का क्या मतलब है ये जो सबस्क्रिप्ट है सारी मल्टीप्लाई बाय टू हो गई है अब इसमें से पानी निकाल दो माइनस एच टू क्या हो गया एच फोर पी टू ओ सेवन ठीक है हो सकता है इनके नाम कुछ और भी हो बट ये भी जो नाम हम इस प्रोसेस से कर रहे हैं ये वेल एक्सेप्टेड नेम है बट कहीं बारी आपको सल्फर के लिए भी दिखेगा ऐसा और फॉस्फरस के लिए भी दिखेगा कि जो नाम हमने इस मेथड से डिराइव करें उसके अतिरिक्त उसके अलावा देन दिस कोई और भी नाम हो सकता है इट्स ओके चल है कोई बात नहीं वो भी हम याद कर लेंगे फिर राइट right? जितने क्वेश्चंस करोगे उससे उतना ही आपके दिमाग में बैठते रहेंगे तो ठीक है ये हमारे पास क्या हो गया फिर इसका नाम अगर हम एक एसिड से शुरुआत करके ये प्रोसेस किया है इन टू टू माइनस एच टू ये हो गया आपका हाइपो डन एक अस डन एक डन पर डन ये ऊपर वाली लेयर हो गई है अब मैं इसके अंदर दो भाग में इसमें एंटर कर रही हूं ऐसे ही सेम प्रोसेस अस आस एसिड के लिए भी एप्लीकेबल है तो एक एसिड में मल्टीप्लाई बाय टू माइनस एच टू हमने किया तो हमारे पास क्या आएगा पाइरो एक एसिड तो इसका नाम क्या हो गया एसिड और कई बारी कई एसिड्स uh, के मेटा एसिड्स एग्जिस्ट नहीं करते बट ये प्रोसेस आपको एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग देने का जैसे मेटा बोरिक एसिड की बात करूं मैं H3BO3 थ्री बी थ्री माइनस एच अगर आप कर दोगे तो आपके पास जो आएगा वो एक मेटा बोरिक एसिड आएगा बट वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो वो हो सकता है एक डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करे यू गेट दैट तो ये जितना आप इस ट्रिक को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके जहन में बैठेगी तो अगर मैं बात करी हूं, मेटा एक एसिड की तो सीधा आपने फॉस्फोरिक एसिड लिया जैसे उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया पानी तो क्या आ गया एच पी ओ थ्री ये हो सकता आपको ना दिखे इस फॉर्मेट में बट एक डायमर की फॉर्म में मतलब कि एक सब्सक्रिप्ट पे एन है उस फॉर्म में मिले राइट तो ये हो गया मेटा एसिड एंड uh, ये सेम चीज़ एप्लीकेबल है अस एसिड के साथ भी बट कई बार ये जो मेटा और पायरो हर एसिड के एग्जिस्ट नहीं करते पर अगर ये पूरा एक जनरल तरीका हमें याद करने का हमारे पास पहुंच गया है तो आप देखेंगे कि ये काफी मदद करेगा बहुत सारे सवालों में अब ये तो था पहला कॉन्सेप्ट दिस इज योर कॉन्सेप्ट वन अब चलते हैं आगे कई बारी जो आपको रेडॉक्स का सिंपल तरीका है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का hmm? जैसे कि अब जो आपके सारे जितने भी कंपाउंड्स क्वेश्चन में दिए गए थे इनको देखते हैं। पहला था टेट्रा पर ऑक्सोक्रोमेट आयन टेट्रा ये अपने आप में बहुत बड़ा हिंट है टेट्रा पर ऑक्जोक्रोमेट आयन मतलब कि पर ऑक्जो लिंकेजेस कितनी है चार ऐसा क्या कोई ऑप्शन था टेट्रा परोमेट आयन देखिए चार लिंकेजेस ये रही आपके सामने वेरी नाइस सो सो दिस क्वेश्चन अगर आपने यही पहचान लिया कि चार ये इसके नाम में ही काम छुपा है कई बार नाम में ही काम छुपा होता है ना तो यहाँ पे नाम में ही काम छुपा है टेट्रा पर चार परोक्सी लिंकेजेस हो गई तो आपके पास चार परोक्सी वन के साथ हुआ Uh, आर वन के साथ हुआ आर अच्छा दो ऑप्शन है तो फिफ्टी फिफ्टी आपके सामने हो चुका है तो आपकी अप्रोच यही रहनी चाहिए जो भी एलिमिनेट हो सकता है उसे एलिमिनेट करिए अब क्या आपका सेकेंड अप्रोच हो सकता है आप यूनिक देख लीजिए क्या है सेकेंड अगर आपने पता कर लिया तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड क्या है पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड अब पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता ही होना चाहिए कि कैसा क्या है पर सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने अभी Uh, सीखा है पर सल्फ्यूरिक एसिड या पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड एक ही बात है तो इसमें क्या है एच टू एसाइव राइट देर इज अ परोक्सी लिंकेज सो हाउ मेनी परोक्सी लिंकेजेस एक ही तो एक वन एस ओ एस वेर आर यू परोक्सी तो होगा ही देखो है ना कितना होगा इसने ऑप्शन दिए हुए तीन परॉक्सी लिंकेजेस के पर जिसके चार तो होंगे नहीं तो वन तो सेकेंड के साथ क्या गया पी सेकेंड के साथ पी वेरी नाइस वी नो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑलरेडी बट ये तो हुआ चलो क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरीके से था बट कॉन्सेप्ट हम एक बहुत बेहतरीन यहां से ये कर सकते हैं कि हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करिए ठीक है थीके? जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करिए ऑक्सीजन को ऑक्साइड समझ के लोचा यही हो रहा है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है हम ऑक्साइड समझ के बैठ रहे हैं बट वो है या तो परॉक्सी फॉर्म में है ना तो परॉक्सी फॉर्म में अगर है तो हमारा जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा तो कोई बात नहीं आपको कोई भी कंपाउंड दिया हो जैसे कि ये जो टेट्रा पर आयन है इसका फॉर्मूला क्या है इट इज के थ्री सी आर ओ एट द फेमस एन आयन जो आप आप कई बार ही देख चुके होंगे इस पर्टिकुलर स्पीशीज uh, को है ना के थ्री सी आर ओ एट पर ऑक्सी आयन क्या हो गया सी आर ओ एट थ्री माइनस क्या कर लेते हैं इसका कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट एट इन टू टू सिक्सटीन इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स बिकम्स बॉट माइनस थ्री प्लस सिक्सटीन राइट और इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते प्लस थर्टीन राइट तो कैलक्युलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी ज्यादा है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई भी परोक्सी कंपाउंड उठा लीजिए आप आपको ऐसा ही दिखेगा राइट right? जैसे कि इसको देखिए एच टू एसओ फाइव ठीक है एक्स माइनस टू क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है राइट माइनस टेन एक्स प्लस टू माइनस टेन इज इक्वल टू क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ प्लस टू माइनस टेन क्योंकि ऑक्सीजन को मैं माइनस टू ले रही हूं इज इक्वल टू बी इक्वल टू प्लस एट एंड कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छा क्या हमें पता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हर एलिमेंट का जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल में हैं वो होती है उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट राइट क्रोमियम की क्या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस सिक्स सो so, प्लस सिक्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां पे बट आ कितनी रही है थर्टीन राइट right? यहां पे क्रोमियम मैग्नीज़ की प्लस सेवन ओके फॉस्फोरस की प्लस फाइव सल्फर की प्लस सिक्स यहां पे मैक्सिमम प्लस सिक्स तो क्या स्ट्रक्चर हो गया इसका इस तरीके से एक हो गई, राइट इसका क्या स्ट्रक्चर हो गया सीआरओ एट थ्री माइनस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सीआरओ एट थ्री माइनस का स्ट्रक्चर हो गया इस तरीके से यहां बना रही हूं मैं सीआर एक परॉक्सी लिंकेज इस तरीके से और तीन क्योंकि नेगेटिव आयन हैं तो तीन परोक्सी लिंकेज इस तरीके से ठीक है और देखते हैं अगर आपका कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के जैसे कि आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है यहां पे क्या सल्फ्यूरिक एसिड राइट एच फोर एस टू अच्छा पायरो क्या हम अपना एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का क्या हमने बात करी थी एच टू एस ओ फोर इन टू टू विच बिकम्स एच फोर एस टू ओ एट माइनस एच टू एच टू एस टू ओ सेवन ये क्या कहलाएगा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड तो एच टू एस टू ओ सेवन को चेक करते हैं पहले क्या है यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल आइटम क्या है सल्फर ठीक है सो अगेन प्लस टू प्लस टू एक्स माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू प्लस सिक्स कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चा पार्टी इज इक्वल टू द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा यहाँ पे अगर पॉसिबल है तो हर जगह कैलकुलेटेड इक्वल टू तो मैक्सिमम और है ही एक ही सेंट्रल एटम डू यू अंडरस्टैंड अगर आपके पास एसओ एस बॉन्ड चाहिए बॉन्ड चाहिए तो एटलीस्ट दो एलिमेंट्स तो होने मांगते हैं दो सेम एलिमेंट तो होने मांगते हैं आप प्लीज अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए ट्राई करिए कॉमेंट्स में लिखिएगा अगर मॉलिक्यूल्स नहीं मिले मैं कॉमेंट्स में आपको अच्छे से मॉलिक्यूल्स देकर आपका अच्छा प्रैक्टिस करा दूंगी पर यह जरूर प्रैक्टिस करिए खुद ब खुद अलग अलग मॉलिक्यूल्स को पकड़कर ठीक है अब What about this? Calculated oxidation state is less than the maximum oxidation state. यहाँ पे मिलता है आपको element element linkage. जैसे कि क्या हमारे पास question में एक ऐसा कुछ molecule था देखिए डायथायोनिक acid. डायथायोनिक acid. मतलब कि दो sulfurs हैं S2, टू है ना और आपके पास जो ऑक्सीजन हैं डायथायोनिक में इसको डिकोड करने का कोई तरीका नहीं है हाँ इसको पता होना मांगता है क्योंकि जो हमारा पूरा एक जनरल फॉर्म था उसमें इस तरीके के डायथायोनिक एसिड मौजूद नहीं थे है हाँ ना ऐसा नाम मौजूद नहीं था सो so, आप अगर ये ट्राई करें इसमें कभी भी आपकी वो नहीं आ पाएगी आपके पास डाइथ मतलब दो सल्फर्स इकट्ठे जुड़े हुए हैं राइट तो हमेशा आप ऐसो को खोल कर ट्राई करेंगे तो बेटर समझ में आएगा जैसे सल्फर सल्फर ओके और क्या ये मॉलिक्यूल आपको चमक रहा है कि आपने क्या किया है दो सल्फ्यूरिक एसिड्स लिए और उनमें से एक ओ OH एच ओ -OH एच ड्रॉप करके दोनों को एस एस बॉन्ड को इकट्ठे जोड़ दिया गया लाइक like दिस तो ये क्या हो गया एच टू एस टू ओ सिक्स इसको ट्राई करते हैं क्या ये सही भी है ऐसे आप बहुत सारे मॉलिक्यूल उठाकर चेक कर सकते हैं फॉस्फोरस के हैं सल्फर के हैं जो कि आपके सिलेबस में जिसपे सवाल आता है कि क्या पीपी बॉन्ड है क्या एस एस बॉन्ड है तो यहाँ पे मैंने एच टू एस टू ओ सिक्स उठाऊ और ये ट्रिक ट्राई करूं तो टू प्लस टू एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो सो टू एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स इज इक्वल टू प्लस फाइव indeed calculated oxidation state is less than the maximum oxidation state. So there will be element element linkage. ये structure बिल्कुल सही है अगर structure ही दिया हुआ है direct तो तो हमारे लिए बल्ले बल्ले है बहुत ही आसान है फिर तो right direct structure दिया हुआ है तो तो बहुत ही आसान है moral of the story moral of the story is simple if calculated oxidation state is greater than the maximum oxidation state there will be peroxy linkage if calculated oxidation state is less than the maximum oxidation state provided there should be two same atoms elements present okay then there will be element element linkage And if calculated oxidation state is equal to the maximum oxidation state, provided there are more than one central atoms, ठीक है ये बहुत ज़रूरी है ये नहीं है कि कहीं भी अगर आपका H2SO4 में भी ऐसे तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स ही आएगा वहाँ पे थोड़ा ना बनाने लग जाओगे एस ओ एस बॉन्ड्स हाँ यहाँ पर एस ओ एस हुआ तो सच में एस ओ एस कॉल जाना चाहिए फिर तो है ना कुछ तो इमरजेंसी हुई है क्योंकि फिर तो so, I mean, element -element क्या होगा यहाँ पे ऑक्सी बॉन्ड राइट तो अब इसकी अंडरस्टैंडिंग से ये सारे के सारा सवाल हो गया बहुत ही आसान टेट्रा पर ऑक्सोक्रोमेट में हमने सी आर ओ एट थ्री माइनस को आराम से हमने देखा कि हाँ चार परोक्सी लिंकेजेस थी तीन हवा में लहराती हुई ओ ओ माइनस के साथ एक क्रोमियम से ही जुड़ी हुई ओ ओ दोनों के जो एंड्स थे क्रोमियम में मीट कर रहे थे तो फर्स्ट का आंसर हो गया फोर इसके नाम में ही काम छुपा था खैर और परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड ये तो हमारे ट्रिक्स से दोनों ही ट्रिक्स में बैठ गया राइट एक परऑक्सी लिंकेज है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में आपका एस ओ एस बॉन्ड है और डाई था एसिड में एस एस बॉन्ड है ऐसे बहुत सारे सवाल ट्राई करिए कमेंट्स में अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो आपने ट्राई करे हैं ये देखिए है। इस ट्रिक में एक्सेप्शन हैं तो ज़रूर एक्सेप्शंस को भी दिमाग में रखिए